नमस्कार, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को होली बहुत बहुत मुबारक। मैं आपका स्वागत करता हूं अनुराग मुस्कान, मेरे साथ शिखा ठाकुर मौजूद हैं और आज एक सपना हम साकार करने जा रहे हैं। शिखा बताएंगी। शिखा, अनुराग ये वो हैं जिन्होंने यूपी, हरियाणा और बिहार को ही नहीं बल्कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स को अपने ठुमके का दीवाना बनाया है। मेरे ख्याल से अब तक आप समझ चुके होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। प्लीज वेलकम, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सपना चौधरी का। वैसे मुझे लगा सपना के म्यूजिक बज रहा है तो आप अपने अंदाज में स्टेज पर आएंगी, आप तो मेरे अंदाज में आई। ये ऐसे नहीं होगा सपना, आपको कुछ तो इस अंदाज के पैसे लगते हैं। देखिए मतलब ये बेमानी है, ये यहाँ बैठे दर्शकों के साथ बेमानी है। मतलब तालियां ज्यादा मायने रखती है एक आर्टिस्ट के लिए, मुझे लगता है पैसे से ज्यादा। चलिए ठीक है, जब आपका मन करे। साथ 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 साथ, ठीक बात है। शिखा, मुझे लगता है कि सपना के साथ बातचीत का सिलसिला हम शुरू करें। होली का मौका है, रंग गुलाल यहाँ पर है, दर्शक हैं, दर्शकों की तालियां हैं, स्टेज है, सपना है, म्यूजिक है, सवाल जवाब शुरू हो जाने चाहिए। और सपना का तो हौसला बिल्कुल एकदम हाई लेवल पर है, हमारा और शिखा का हौसला बढ़ाने के लिए तालियां बजाते रहिएगा। इसी तरीके से सपना, होली का रंग हर जगह बिखरा हुआ है और जितने तमाम फैंस हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। आपने हमें कुछ करके तो नहीं दिखाया अपने फैंस के लिए? नहीं, लेकिन बस आप यही बता रहे, अभी तो शो शुरू हुआ है, अभी मतलब अभी पूरा पूरा जो प्रोमो है ये सिर्फ छोटा सा एक छोटी सी झलक है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। सपना बिल्कुल बिल्कुल, पिक्चर बाकी है। क्या कहते हैं ना कि एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, अभी इसमें से तैयार है। हाँ, लेकिन एंटरटेनमेंट 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 में से अभी पहला वाला भी पूरा नहीं हुआ है। मैं प्रिपेयर होके आती हूँ क्योंकि न्यूज वाले भी मेरे साथ घपला करते हैं बार बार। मुझे पता है ये इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और मुझे नचाए बिना मानते नहीं। नहीं नहीं, हमें नहीं। दर्शक, अगर आप चाहते हैं कि सपना डांस न करें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये डांस करें आगे कभी, अभी एकदम नहीं, तो जोरदार तालियां बजाइए। बात खत्म। ये मैं नहीं चाहता, शिखा नहीं चाहती, एबीपी नहीं चाहता, दर्शक चाहते। क्या करेंगी, दर्शकों का दिल तोड़ देंगी? हाँ वो तो मुझे पता ही, इनकी एड में गोलियां आप मत चलाइए। नहीं, गोली चलाना हमारा काम नहीं, गोली चलाने वालों को जेल भिजवाना हमारा काम है। हाँ अच्छा, कहावत है। सपना, अभी होली का त्योहार है, होली का मौका है, रंग है, हर जगह आपके फैंस भी हैं, तो चलिए आप यही बताइए कि होली बचपन में आप कैसे मनाती थी और होली आपके लिए क्या है? मैंने जिंदगी में होली सिर्फ एक ही बार खेली है, वो भी बहुत गंदे वाली खेली है। बाकी मैं होली नहीं खेलती हूँ क्योंकि टाइम नहीं लगता है, और जिस दिन होली होती है मैं एक कमरे के अंदर बंद हो जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि रंग लगाने के नाम से बहुत लोग मुझे बहुत परेशान कर देते हैं, रंग कम लगाते हैं और दुखी ज्यादा। आजकल सिंथेटिक रंग वगैरह भी चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक दूसरे को प्यार देना चाहिए, माँ बाप को प्यार देना चाहिए, भाई बहन के साथ सेलिब्रेट करनी चाहिए, दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करनी चाहिए और इस ढंग से खेलनी चाहिए कि किसी को चोट ना लगे। लेकिन होली के फिराक में कई लोग ये सोचते हैं कि इसको ये नुकसान कर दे या इसको ये नुकसान कर दे, वो मेरे ख्याल से गलत है, बिल्कुल गलत है। आपने कहा कि आपने एक बार होली खेली है, मैं जानना चाहूंगा वो कब खेली है और आपने कहा बहुत गंदे वाली खेली है, तो कैसे वाली खेली है वो भी बताइए। वो मैंने टंकियों में घुस घुस के खेली है। पूरी टंकी में रंग डाल दिया था और बाद में बड़ी संटियों से पिटाई हुई थी मेरी, क्योंकि पूरी जो टंकी में मैंने रंग डाला था पूरे घर में ठूटियों में लाल लाल हो गया था। मतलब आपने सबको रंग दिया? सबको परेशान कर दिया, मैंने रंगा किसी को नहीं। मैंने क्या किया कि ऊपर जो टंकी होती है उसके अंदर सारा रंग डाल दिया और घर के जितने भी टैप थे सब में कलरफुल पानी आने लग गया। अब मेरे घर वाले इतने परेशान हो गए कि ना तो पीने को पानी बचा ना नहाने को पानी बचा। मम्मी ने बाद में मेरी बहुत संटी से पिटाई की। ओहो, वाह 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 वाह। दर्शकों को ना उम्मीद ना करना कोई सपना आपसे सीखे, मना करते नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, स्टाइल में आपने डांस कर ही दिया। चलिए मैं बातचीत का सिलसिला शिखा चाहूंगा कि हम शुरू करें और बिग बॉस की बात करें जो सपना नहीं चाहती है। लेकिन करनी तो पड़ेगी ना, सबका यहाँ पर है। ये डांस करना भी नहीं चाहती थी ना, पर इन्होंने डांस किया, ये बिग बॉस के बारे में भी बात करना नहीं चाहती है तो करते हैं। बिल्कुल सपना, बिग बॉस आपने किया, बहुत धमाका मचाया, धमाल मचाया वहाँ,
क्या आपको लगता है कि बिग बॉस करने के बाद लोगों का जो नजरिया है वो आपके प्रति बदला है? कुछ का और कुछ अभी भी रह गए हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि मेहनत इतनी शांति से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचाए। तो किसी के कहने से जो दो चार लोग हैं, और बेसिकली वो ही लोग बोलते हैं जिनके घर में कोई इज्जत नहीं होती, वो ही बैठ के कमेंट में लगे रहते हैं ये कर दिया वो कर दिया, जो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो किसी के कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं ऐसे ही लगी रहूंगी और उनको जवाब मैं अपने काम से दूंगी, क्योंकि मुंह मेरे को उनके साथ गंदा नहीं करना है। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं, कई आपके ऐसे क्रिटिसाइजर्स भी हैं, आलोचक भी हैं, जो मुंबई में रहते हैं, बॉलीवुड में रहते हैं। अब आपके लिए दरवाजे बॉलीवुड के भी खुल रहे हैं, आपका क्या इरादा है, क्या मतलब आपका प्लान है बॉलीवुड को लेकर के? देखिए, मेरा प्लान है, मैं चाहती हूँ, काम शुरुआत जब की थी तो कोई जहन में नहीं था बॉलीवुड का नाम, तो मैं चाहती थी कि हरियाणा उठे, क्योंकि हरियाणा बेसिकली उस वक्त मैं यूँ नहीं कहूँगी पीछे था, लेकिन उस सिचुएशन पे था जिस वक्त उनके गाने ऐसे हुआ करते थे कि कोई सुन के पसंद नहीं था। अगर गाने अच्छे हुआ करते तो वीडियोस अच्छी नहीं होते थे, और वीडियो अच्छी हुआ करती थी तो गाने अच्छे नहीं होते थे। तो मेरा फोकस उस तरफ था, लेकिन स्टेज परफॉर्मर बनते 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 मैं फिर मॉडल बनी, और हर एक कदम के पीछे ऑडियंस का कम हाथ है, और जो मुझे पसंद नहीं करते हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। हर एक किसी की कामयाबी में वैसे उन्हीं लोगों का बड़ा हाथ होता है जो पसंद नहीं करते। मैंने शुरुआत की, मैंने स्टेज परफॉर्मेंस शुरू की, तो मैं दूसरों के गाने पे शोज किया करती थी। हरियाणा के ही कुछ गाने थे जो मैंने हिट किए, सॉलिड बॉडी था उनमें से एक। तो मुझे उड़ती उड़ती खबर आती थी कि जो इनके सिंगर हैं, मॉडल हैं, वो कहा करते थे क्या है, एक नाचने वाली तो है, मेरे गानों पे ही तो नाचती है। तो उनकी जो छोटी छोटी बातें थी ना, वो के तो दिमाग में घुसा करती थी और के सीधा दिल में घुसा करती थी। तो मैंने कहा कि आज के बाद किसी के गाने पे परफॉर्म ही नहीं करना, परफॉर्म करूँगी अपने गानों को लेकर, अपने गाने बनाऊँगी जो मुझे शायद कोई ये कहने वाला ना हो कि क्या है, सिर्फ नाचने वाली तो है, अपने गानों पे परफॉर्म करूँगी तो किसी का हिम्मत तो नहीं होगा मुझे बोलने का। ये हरियाणी की छोरी, ये बताइए कि बिग बॉस में होली वाले दिन वो कौन कंटेस्टेंट हो सकता है जिसे आप गले लगाना चाहेंगी, क्योंकि होली पर तो गिले शिकवे मिट जाते हैं, और सबका यहाँ लाल रंग भी है, तो साथ में वो प्यार का लाल रंग भी आप लगाएंगे। गिले शिकवे तो मेरे किसी के साथ नहीं है, तो मैं मिटाऊं क्यों? भाई ऐसा तो नहीं, अभी आपने कुछ लोगों के बारे में कहा कि जो आपको गालियां देते हैं, जो आपकी आलोचना करते हैं, ऐसे बिग बॉस में भी लोग रहे, हमने भी देखा, तो कौन उनमें से ऐसा है जिसको आप माफ करके गले लगाना चाहते हैं? मैंने तो सभी को माफ किया है, जरूरत ही नहीं पड़ती उनको। ऐसा मत बोलिए, सब गले लगने आ जाएंगे। कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं लगाऊंगी, और शायद वो बाहर से लगाएं लेकिन मैं दिल से लगाऊंगी। शिखा जी, मतलब ये केवल डांसर अच्छी नहीं है, सिंगर अच्छी नहीं, बातें भी बहुत अच्छी करती है। मैंने कई सेलिब्रिटी देखे, अब तो आप सपना सेलिब्रिटी बन गई हैं, तो कह सकता हूँ कि मैंने कई सेलिब्रिटी देखे जो परफॉर्मर अच्छे हैं लेकिन बात अच्छी नहीं कर पाते। आप तो बड़ा अच्छा बात नहीं, मैं ओके ओके हूं। ओके ओके, ये तो खैर आपके फैंस बताएंगे क्यों, अगर ये ओके। अरे बजा दो यार तालियां, मतलब ठीक है गर्मी ज्यादा पड़ रही है लेकिन बजा दो तालियां, जोरदार तालियां बजा दो, और पीछे वाले तो सपना मुंह खोल के खड़े हैं ऐसे, ताली बजा दो यार, देख रहे हैं। हाँ, अपना वीरे दी वेडिंग एक फिल्म आई, उसके गाने को लेकर सात करोड़, सात करोड़, सात करोड़, तो आप यहाँ देखे जाएंगी सात करोड़? बिल्कुल। देखिए, सात करोड़ तो नहीं, लेकिन सात करोड़ कुछ और दे सकती हूँ, मैं चाहिए हो तो बताना। नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, जिसने केस किया उसको चाहिए, मैंने नहीं केस किया आप पर, इस गाने के सिंगर ने जो केस किया है। अगर देखिए, किसी को पता ना हो, सबसे पहले तो हमारे पास कोई नोटिस ही नहीं आया, दूसरी बात कि इस गाने पर कभी भी किसी सिंगर का हक नहीं होता है, अगर गाने पर हक होता है तो उसका होता है जिसने वो लिखा है, जिसके वो बोल है, एक राइटर का, और उससे हमने एनओसी ले रखी है, तो हमें डरने की जरूरत ही नहीं है, हमें क्या करना है? बाकी सात करोड़ वो है, बाकी सात करोड़ वो है। ठीक है, तो मतलब सात करोड़ ये नहीं देने वाली है, जो लेने आएगा उसे सात करोड़ कुछ और कुछ मिलेंगे, मिलेगा। तो भैया सोच समझ के पैसे मांगना सपना चौधरी। नहीं नहीं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जिन्होंने गाया, हमारे हरियाणा को उन्होंने बहुत अच्छा गाना दिया था, नाम विकास कुमार है, और कहने में ना मैं कभी झिझकी हूँ ना मैं कभी झिझकूंगी, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है जो अंदर जाके लगता है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ एज अ वुमेन, वो मुझे फ़ोन करते और बताते
कि मैं ऐसे ऐसे करने जा रहा हूँ, तो शायद मैं उनको समझा भी पाती कि ये गलत है या सही है, कुछ भी होता। छोटे होने के नाते मैं ये नहीं कहती वो मेरे से बड़े हैं, उनको बहुत समझ है मुझसे, जो उन्होंने किया शायद उनके लिए ठीक हो, लेकिन मेरे लिए वो सबसे बड़ी गलत बात है। क्योंकि हरियाणा का ये हमेशा से रहा है कि जो आगे बढ़ता है ना उसको टांग पकड़ के हमेशा ही पीछे खींचते हैं, और अभी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी तो ये छोटा सा, मेरे ख्याल से ये क्या बोलते हो, फुलझड़ी बम ना, ये फुलझड़ी बम था, फुस्सी बम नहीं था, ये फुलझड़ी बम था। और जब टाइम बम फटेगा एक साल के बाद, तब इनका क्या हाल होगा। अब मैं आपको बताऊं कि वैसे तो यहाँ जो हर शख्स मौजूद है वो आपका बहुत बड़ा फैन है, लेकिन उससे भी बड़े फैन यहाँ उज्जवल बैठे हुए हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। उज्जवल को माइक दे दीजिए प्लीज। हेलो सपना। हेलो। मेरा नाम उज्जवल है, मैं यूपी से हूँ। यूपी? हाँ, लेकिन मुझे हरियाणवी नहीं आती थी, जब मैं यहाँ दिल्ली आया मैंने आपके गाने सुने तो मुझे हरियाणवी आने लगी, तो उसका क्रेडिट पूरा आपको जाता है। टीचर भी है, ट्यूटर भी है सपना। आप देखिए, आपने हरियाणवी सिखा दी एक लड़के को, अच्छा खासा मेरी ट्यूटर है। और सबसे बड़ी बात, आपको हैप्पी होली बोलना है, क्योंकि आप तो सपने में ही मिलती हैं सपना, तो आज सामने मिली हैं, तो मैं आपको हैप्पी होली बोलता हूँ। अब ये मत कहना गुलाल भी लगाना चाहते हो। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास एक चॉकलेट आपके लिए, थोड़ी सी पिघल गई है, ऐसा कुछ नहीं। मेरा बस छोटा सा एक सवाल है सपना से। सपना, क्या आप मतलब मेरे जैसे लड़कों को अगर आपके साथ डेट करना हो तो क्या करें कि आप उनके साथ डेट पे जाना चाहेंगे? यूपी ले जाना चाह रहे से। पहली बात तो ये कि जो मेरे साथ डेट करने की कोशिश करेगा उसकी डेट ही खत्म कर देंगे। उसकी तस्वीर पे माला चढ़ जाएगी, चढ़वानी है। नहीं, ऐसे चॉकलेट रख लीजिए भाई। अगर मुझे एक दिन में फ्री मिला ना तो आपके साथ तो डेट पे जरूर। चॉकलेट तो दे दो। लेकिन एक घंटा फ्री नहीं मिलता मुझे, मैं डेट आपका और मेरा सपना साकार हुआ हो या ना हुआ हो, उज्जवल का हो गया, साकार हो गया, उज्जवल का हो गया। मेरे एक बाउंसर, उनको अपना नंबर जरूर दे देना। थैंक यू। चॉकलेट बाउंसर को ही दे दे तू। नहीं नहीं, मेरे चॉकलेट तो दे दीजिए। बाउंसर का नाम लेते हैं आप लोग, हंसते ही हो, क्या दिक्कत है? वैसे उज्जवल गलत है, चॉकलेट बाउंसर को देते तो नहीं, वैसे शायद ताली भी बन जाती। कसम से उंगलियों से खाऊंगी, टेंशन ना। थैंक यू उज्जवल, तुम्हारी लाइफ बन गई। एक बार उज्जवल के लिए तालियां बजा दीजिए भैया। वाह 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 वाह। सपना, होली के दिन तो दिल मिल जाते हैं, रंग है इतने खूबसूरत, यहाँ कुछ और फैंस भी हैं, और जाहिर सी बात है जब वो यहाँ हैं और सपना यहाँ है तो आपसे कुछ गुफ्तगू भी करना चाहते हैं, तो आइए बात करते हैं आपके फैंस से। शिव्या हमारे साथ हैं। शिव्या, इस साइड से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, आपका नाम क्या है? सुचिता। मैम, आपसे एक बिग बॉस को लेके एक सवाल है। मैम, जब आप बिग बॉस का ऑफर आया था तो आपने क्या सोच के उसमें साइन किया था जाने के लिए? मैंने ये सोच के साइन किया था कि कई लोगों को लगता है कि मैं वहाँ नहीं जा सकती थी, क्योंकि मुझे बिग बॉस 10 भी ऑफर हुआ था। उस टाइम मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, मैंने पॉइजन ले ली थी, तो हालत ख़राब होने के कारण मैंने उसको मना कर दिया। फिर बिग बॉस 11 आया तो मम्मी ने मना कर दिया। मम्मी चाहती ही नहीं थी कि मैं अकेले कहीं जाऊं, और ना मैं मम्मी के बिना कहीं अकेले रही हूं। तो कई लोगों को जवाब देना था कि वहां भी जा सकते हैं, और मेरा जाने का असली मकसद था ना पैसा था बेसिकली, ना फेम था। जाने का असली मकसद था कि मुझे नॉर्थ इंडिया जानता है। मैं चाहती थी कि नॉर्थ इंडिया के कुछ कलाकार ऐसे हैं जो आज तक दबे हुए हैं, अगर वहाँ जाने का मौका मुझे मिलेगा तो शायद कुछ लोग उसी लालच में उठेंगे और हरियाणा दिखेगा, तो वही मेरा मोटिव। बहुत बढ़िया बात है। रैपिड फायर राउंड आपके साथ हम और शिखा करना चाहेंगे। शिखा, इसके बारे में बता दीजिए इनको। ये एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड है, हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन हाँ या ना में जवाब नहीं देना है, इसमें आपको आंसर्स देने हैं डायरेक्टली। ठीक, और सोचने में वक्त नहीं लगाना है। बिल्कुल भी नहीं, वो तो लगता ही नहीं। तो चलिए शुरू करें अनुराग जी। बिल्कुल रेडी। रेडी। सपना, आप किस सुपरस्टार के साथ होली खेलना चाहेंगे? सलमान खान। अच्छा, बिग बॉस में अगर किसी को काला रंग लगाना हो तो किसे लगाएंगी? पनीश। लाल रंग किसे लगाएंगी? हेना। और किससे लगवाना चाहेंगी? हेना। लाल रंग हेना से, काला रंग किसी से लगवाना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किससे? शिल्पा शिंदे।
कीचड़ वाली होली किसके साथ खेलना चाहेंगे? बिग बॉस से या बाहर से? ओवरऑल बता दीजिए। ओवरऑल बिग बॉस में मैं कीचड़ वाली होली खेलना चाहूंगी बंदगी के साथ। और बाहर से? बाहर से भी। अंडे किसे मारना चाहेंगी? बंदगी को। अच्छा, पिचकारी से खेलेंगे या गुब्बारों से? नहीं, गुब्बारों से नहीं, पिचकारी से खेलेंगे। पिचकारी से खेलेंगी। अच्छा, ये बताइए कि किसकी टंकी में रंग भरना चाहेंगी? किसकी टंकी? टंकी पानी की टंकी जिसमें आप रंग भर देती हैं। मैं आकाश की। सपना, फेवरेट फिल्म स्टार कौन है? फेवरेट फिल्म स्टार संजय दत्त। और फेवरेट हीरोइन? फेवरेट हीरोइन दीपिका पादुकोण, माधुरी दीक्षित बहुत अच्छी लगती है शुरू से ही, और बस। चलिए, तो मुझे लगता है कि सपना आपके रंग में तो सब रंग चुके हैं, अब बारी है आपको रंगने की। होली का मौका है तो शिखा, आपके लिए मौका तो जाना ही पड़ेगा। एबीपी न्यूज़ आई है, आप सपना आपको रंगे, बिना रंगे हम कैसे भेज दें। या तो वो गंदी वाली होली आपने खेली होगी, आज आप होली खेलेंगी? नहीं, जरा सा ये तो चलिए, मैं जरा सा कोशिश कर सकती हैं आप। नहीं, मैं तो वैसे भी नहीं लगाऊंगा, करण बैठा है वहां पर, वो पहले ही बता कर जा चुके हैं। मैं तो वैसे भी नहीं लगाऊंगा, आप ही लगाइए। हाँ, ऐसे लगाना, दूर से रंग लगाना सर, क्या बात है। मुझे लग रहा है सपना आपसे रंग लगवा कर, मैंने बोला दूर से रंग लगाना। हाँ, दूर से मैंने रंग लगा दिया। लीजिए, मैंने देखे इनके बाउंसर गिने भी, 8 हैं पूरे, और एक इनका करण भाई है। आप लगाइए प्लीज। क्यों बदनाम करते हो? बाउंसर बेचारे तंग कर रखे हैं। जो भी आता बाउंसर चिल्ला के चला जाता है। हल्का सा हैप्पी होली सर, हैप्पी होली। आप भी लगा सकते हैं। चलिए, नहीं मैं बिल्कुल, अरे लाल मत लगाना बस। नहीं, लाल नहीं लगाऊंगा मैं, देखिए हरा रंग लेने जा रहा था। कौन सा लगाऊं? सब कौन सा लगा? गुलाबी चलेगा, पीला चलेगा, गुलाबी चलेगा। लाल लगा दिया तो नहीं, तो आपने जो पहले फरमाइश की, आपने पहले फरमाइश की वही पूरा कर देता हूं। होली पे ऐसे लगाया जाता है रंग, मतलब आपका भी सपना पूरा हो गया अनुराग। मेरा तो आते ही इनके साकार हो गया था जी। हाँ, अच्छा, अब ये कैसे पीछे रह जाएंगी? उज्ज्वल अब 3 दिन तक नहीं नहाएगा, होली तक नहीं नहाएगा उज्ज्वल। वाह 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 वाह, अगली होली तक नहीं नहाएगा उज्ज्वल। वाह 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 उज्ज्वल, चिड़ो मत। अच्छा, अब मैं चाहूंगा कि ऐसे नहीं लगाते, कलर से ऐसे। ओह हाँ हाँ हाँ, सीख लिया मैंने। हैप्पी होली टू यू टू। एक बार सपना जोरदार तरीके से हरियाणवी में होली सबको विश कर दीजिए। अरे सपना, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, और सबसे बड़ी बात, अपने माँ बाप की कदर करो, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर इस धरती पे भगवान भी नहीं है। चलिए, होली की हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, सपना की तरफ से भी, शिखा की तरफ से भी, और मेरी तरफ से भी। होली सुरक्षित खेलिएगा, होली प्राकृतिक रंगों के साथ खेलिएगा, और